मैं कैथल के उन सारे साथियों का जिन्होंने इस चुनाव को चलाया, इस चुनाव को संभाला, इस चुनाव का संचालन किया। विषम से विषम परिस्थितियों में आपने ना हिम्मत हारी, ना आप डरे और दबे। लोग धमकियां देते रहे पर हमारे साथी शहर और गांव के छाती अड़ाकर अड़े रहे। इन बहादुरों को मैं नमस्कार करता हूं, आपके आगे शीश झुकाता हूं। मैं उन सारे साथियों का भी जिनका मन हम जीत नहीं पाए, आज उनको भी ये कहना चाहूंगा, हम आपका मन चाहे अब की बार जीत ना पाए हो, अगली बार जरूर जीत कर दिखाएंगे। ये सारे मेरे साथी आपके प्रति जिन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं डाली, हमारे लिए हम सारे कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हमारे मन में किसी के लिए बैर नहीं, वैमनस्य नहीं है, क्योंकि ये गुंडे नहीं है, ये शराफत की मिसाल है। गुंडों को जीत नहीं मिला करती, इस शहर ने साबित करके दिखा दिया। जो कहा करते थे ना वो हरियाणा के सबसे बड़े गुंडे, मैंने उन्हें कहा था प्रजातंत्र में वोट की चोट बराबर कर देती है सबको छोड़ के। आखिर में कैथल में शराफत जीती, कैथल में भाईचारा जीता, कैथल में प्रेम जीता, कैथल में अपनापन जीता, कैथल में मिट्टी की खुशबू जीती, कैथल में आपका प्यार और स्नेह जीता, कैथल में आपका आशीर्वाद जीता। कपिस्थल की तपोभूमि में नफरत के लिए कोई जगह नहीं, कैथल की तपोभूमि के अंदर जात पात के बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं। ये सच है। बीजेपी ने बार बार और अब भी इस चुनाव में भी जात पात फैलाई और भाईचारा तोड़ने की कोशिश की। पर मैं उन सारे साथियों को कहता हूं जिनका मन हम नहीं जीत पाए, हम फिर से गुलदस्ता बनाएंगे और आपको अपनी छाती से लगाकर साथ लेकर जाएंगे। मेरे साथियों, कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई और मुझे आज बुलाया। मैं आदित्य को तो ये कहूंगा, आदित्य और सुदीप भाई तो यहीं रहेंगे और वो कल सुबह आएंगे, और मैं आपसे आज अनुमति लूंगा, क्योंकि कुछ चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने और सारी सीनियर लीडरशिप ने आज बुलाया। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जिस प्रकार से आपने प्रेम और आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से आपने विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताया, जिस प्रकार से कठिन जहां कहते थे कि कांग्रेस जीत नहीं सकती या कांग्रेस कमजोर है, उन गांव के अंदर भी कांग्रेस ने पिछली बार से 600, 700, 800, 200, 400 वोट की बढ़त पाई। मैं देख रहा था पिछली बार का रिजल्ट निकालकर, हर राउंड जब आता था पिछली बार से दुगनी वोट आने लग रही थी लगभग कांग्रेस पार्टी की, और इसीलिए आपकी 90,000 कितनी वोट आई आप, या 85,000-86,000 84,000 वोट आई, वो ये इस बात का सबूत है कि आपका प्यार, आपका धड़ा, आपका विश्वास और बढ़ा है। और आदित्य के कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि उन सारे साथियों के विश्वास को, उनके प्रेम को आगे लेकर जाना है और पूरे जिले में भी सेवा करनी है, पूरे प्रांत में भी सेवा करनी है। मुझे ये विश्वास है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, अगर उससे कहीं कोई भूल हो जाए, तो आप अपना बेटा और भाई मानकर उसका हाथ पकड़कर उसे दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि आपको यह अधिकार है। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 साल या उससे बहुत पहले जब आपकी सरकार दोबारा बनेगी, आपका हाथ पकड़कर, आपका कंधे से कंधा मिलाकर हम सब आपके साथ कार्य करेंगे और एक साथी पर भी ना दुख आने देंगे, ना तकलीफ आने देंगे, ना उसे परेशान होने देंगे। अगर किसी साथी पर प्राकृतिक तौर से भी, क्योंकि उस प्रभु की मर्जी अपनी होती, दुख और तकलीफ आया भी, तो सबसे पहले आदित्य, सुदीप भाई, रणदीप और मेरे सब साथी आपके साथ खड़े मिलेंगे।
हर उस साथी के साथ जो यहां नहीं है, हर उस साथी के साथ जिसने आपकी मदद की है, और उस साथी के साथ भी जिसका मन हम तो आज तक नहीं जीत पाए, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। पहले अपने साथियों की मदद करेंगे, फिर उन साथियों के साथ भी खड़े होने की कोशिश करेंगे, ताकि ये परिवार इतना विराट हो जाए कि अगली बार आपकी 1.5 लाख हो जाए। मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर इस मिट्टी को माथे से लगाकर आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सबको, मेरे छोटे भाइयों को अपना स्नेह देता हूं, मुझसे बड़ों के चरण स्पर्श कर अपना उनका आशीर्वाद लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हर पल पर, हर कदम पर आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आपका प्यार, इसी प्रकार से मेरे और सुदीप के अलावा आपके अजीज आदित्य पर बना रहेगा, ताकि वो और ज्यादा जोर से आपकी सेवा कर सके। अंत में एक ही बात कहता हूं, आज जो ये मेरे बुजुर्गवार बैठे हैं या मेरे हम उम्र और साथी बैठे, आप सब में मुझे चॉय शमशेर सिंह सुरजेवाला की फोटो फिर नजर आती है। वो यहां आज अगर होते तो वो एक ही बात कहते कि मैं आदित्य को आपको सौंप रहा हूं, और वो मेरे बाप से और मुझसे ज्यादा सेवा अपने इलाके की आपकी करे। कि मैं आपसे वचन भी है, वादा भी है, विश्वास भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय आदर और सम्मान के योग्य मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी, मेरे कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता, वर्कर, मेरे परिवार वासियों, कपिस्टल की तप भूमि के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सबका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं एक इतनी बड़ी जीत लेकर आने के लिए हम सब के लिए। मेरे बड़े बुजुर्गों, आपके आशीर्वाद के साथ, आपके बताए गए रास्ते पे चल के, एक न्याय के रास्ते पे, एक सच के रास्ते पे, एक मान और सम्मान के रास्ते पे, एक विकास के रास्ते पे और एक तरक्की के रास्ते पे मैं और मेरे युवा शक्ति चले। मैं और मेरे युवा शक्ति सोए नहीं, दिन रात मेहनत करके, 24 घंटे मेहनत करके, हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर एक गांव, पूरा शहर कवर किया हमने। और जितनी जीत मेरे पिताजी भी नहीं लेकर आए थे, उससे बड़ी जीत लेकर आए हम। और मैं जानता हूं, ये सच है, ये जीत तो 90,000 की है। हम सच ही बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया ये है। अब मैं आप सबसे वायदा करना चाहता हूं, हर एक मेरे सारे बड़े बुजुर्गों से वायदा करना चाहता हूं कि आपका पूरा मान और सम्मान रखूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके बीच में बैठ के आपकी बात सुनूंगा, आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। मेरी युवा शक्ति, जो इतने सारे हमारे साथी देश छोड़ के, हरियाणा छोड़ के चले गए क्योंकि इस भाजपा सरकार ने हमारा भविष्य खत्म कर दिया, जो इतने साथी हमारे इजराइल यूक्रेन गए युद्ध लड़ने, जो मेरे इतने सारे साथी डंकी से गए, रास्ते में गुजर गए या वहां पहुंच के गुजर गए, आप सबका वायदा करता हूं मैं, एक ऐसा हरियाणा बनाएंगे कोई एक साथी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं आप सबके साथ खड़ा हूंगा। मेरी मातृशक्ति, जो रात को डरती है बाहर जाने से, जो बोलती है गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, मैं अपनी माताओं से वायदा करता हूं कि उनका भतीजा, उनका बेटा उनके साथ खड़ा होएगा, और जो एक गुंडा राज है, गुंडागर्दी है, शहर से हटाकर दिखाएगा। मेरे जवान साथी,
मेरे जवान साथी जो इस अग्निवीर से तंग आ गए, जो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन बोलते हैं 4 साल में तो फिर से बेरोजगार कर देती है भाजपा सरकार, मान और सम्मान भी नहीं देती। मैं आपसे वायदा करता हूं मेरे सारे के सारे जवान साथी, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको मान और सम्मान देकर दिखाएंगे। और मेरे सारे के सारे परिवारवासी जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ये जीत निश्चित बनाई, जिन्होंने रात दिन ये सोचा कि या तो मैं आदित्य हूं या आदित्य मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा पोता है, जो बोलते थे ये हमारा बच्चा और ये हम इसके साथ खड़े होंगे, इसे हरियाणा के इतिहास का सबसे जवान एमएलए बनाएंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं मेरे चाचों, मेरे ताऊ, मेरे दादे, मेरे भाई, आपको अपने छाती के पास लगा के रखूंगा। अगर आप मुझे चांस देंगे अगले 5 साल नहीं, अगले 50 साल आपकी सेवा करके बताऊंगा मैं। अब हमने यह एक जीत तो ले आए, कैथल हम जीत गए, लेकिन हमें किसानों की, मजदूरों की, हमारी एससी बीसी साथियों की, हमारी मातृशक्ति की, युवा शक्ति की आवाज पूरे कैथल नहीं पूरे हरियाणा में उठाकर दिखानी है, उनकी लड़ाई लड़नी है। और मैं जानता हूं आप सब मेरे साथ खड़े हो, आज खड़े हो, कल खड़े हो, परसों खड़े हो, अगले 5 नहीं 50 साल खड़े हो मेरे साथ। तो जैसे लाइन वो मूवी की लाइन चलती है, लड़ाई अभी बाकी है दोस्तों, अभी आराम करने का समय नहीं, अभी और काम करने का समय आ रहा है। 2 दिन रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर से मैं भी, मेरे पिताजी भी, सुदीप जी भी आपको यही मिलेंगे। बहुत संघर्ष कर रहे हैं मैं आगे, लेकिन मैं जानता हूं कैथल का नाम, कैथल का नाम एक बार फिर से पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में हम कर रोशन करेंगे, फिर से शाइनिंग स्टार बनाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।